डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा ना। लेकिन अब तुम्हें पूरी तरह से ठीक हो ना ताईसा, तभी तो मैंने मॉम के वेलकम के लिए पूरा रूम सजाया है। कैसा लगा आपको मेरा डेकोरेशन? अच्छा है ना? मॉम को पसंद आएगा ना? हाँ। थैंक यू ताईसा। ये साबरी कहाँ है? वो तुम्हें अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? जी ताईसा, वो तो अभी यहीं थी, यहीं कहीं होगी ना अपने, शायद बाहर हो। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। इस लड़की ने तो जैसे ठान लिया किसी की बात ही नहीं मानेगी, वो बर्दाश्त की भी हद होती है, आज उसकी खैर नहीं। साबरी को कहते बहुत देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। ओ राम सिंह, राम जी। हाँ, साबरी को देखा? जी नहीं भाई साहब। ये लड़की भी ना, साबरी, साबरी मैंने, साबरी, 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 साबरी यहाँ पे भी नहीं है। सावरी मेरी सबसे प्यारी बेटी है। सावरी, कहाँ गई थी तू? मैंने तुम्हें श्वेता का ख्याल रखने को कहा था, तुम उसे अकेले छोड़ के कहाँ चली गई? ताईसा, वो मैं बस। क्या हो रहा है? क्या बात है तारा? क्या किया इसने? तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है सावरी? क्या हुआ? इसकी हालत में मत जाइए भावो, जब आप इसे पूछेंगी नहीं कहाँ गई थी, तब आपको पता लगेगा इसकी हालत ऐसी क्यों हुई। बोल बेटा, कहाँ गई थी? बताती क्यों नहीं? मैं जानती हूँ ये कहाँ गई थी। सलोनी से मिलने गई थी एक कोर्ट में। पूछे इसे, सच है कि नहीं ये बात? क्या ये सच है सावरी? सलोनी से मिलने के लिए कोर्ट गई थी? इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। सलोनी इस घर के लिए और इस घर के लोगों के लिए मर चुकी है। कोई रिश्ता नहीं है सलोनी का इस घर के लोगों के साथ। लेकिन वो मेरी माँ ना। नहीं, सलोनी तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ का नाम सावित्री था, जो सालों पहले दुनिया छोड़कर चली गई। सलोनी इस घर के लिए मर चुकी है, कोई रिश्ता नहीं उसका इस घर के। ताईसा, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी सावरी। अपनी भाभो की बातों का जरा भी मान नहीं है तेरे मन में? नहीं बाबो, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए ना बाबो। मैं बस अपनी माँ से मिलने गई थी, लेकिन फिर बाद में पुलिस उन्हें लेकर गई। बाबू, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। सावरी, आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से
अगर कभी भी सलोनी का नाम तूने इस घर में लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक और बात, ये बात श्वेता को पता नहीं लगनी चाहिए। क्या छुपाने को कह रहे हैं आप? कुछ नहीं श्वेता, सावरी ऐसी शरारत कर रही थी। पर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो आराम करने के लिए कहा था ना, जा अपने कमरे में वापस। सावरी, तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ यही तो तारा ताईसा कह रही थी कि तुझे पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कह रही थी कि जल्दी से पट्टी बनवा ले ताकि तू देख ना सके, नहीं तो तुझे दुख होगा। पर छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। चल मेरे साथ ऊपर चल। एक बात याद रखो सावरी, आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, और इस गलती की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। आज पूरे दिन तुम अपने कमरे में ही रहोगी, बिल्कुल कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। जाओ अपने कमरे में। वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। थैंक यू बड़ी माँ, आपने मुझे दो दो माए दी और दोनों ही कितनी अच्छी है, लेकिन दोनों ही मुझसे दूर है, ऐसा क्यों माँ? भले ही मैं कितनी अकेली क्यों ना हो, भले ही मुझे आपकी कितनी भी याद आए, लेकिन मैंने आपसे जो वादा किया है मैं उसे निभा कर रहूंगी। मैं कभी श्वेता को आपके प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, मैं कभी उसे वो दर्द नहीं होने दूंगी जो मुझे आपसे दूर होकर होता है। अदालत आपको उम्र कैद की सजा सुनाती है। आप मुझसे अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा दर्द साझा, बस अंतर इतना है कि आपकी आंखें रो रही हैं और मेरा दिल रो रहा है। आप ये कैसे भूल सकते हैं?
अगर आप सलोनी के पिता हैं, तो मैं तो सलोनी की माँ हूँ ना। तो यही है अंबिका, हम चाह कर भी नहीं भूल सकते, हम सलोनी के माता पिता। और फिर अपनी बच्ची को इस हाल में देखना, उससे तो बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता बर्दाश्त उससे। लेकिन हम और कर भी क्या सकते, सलोनी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम उसे माफ भी तो नहीं कर सकते। लेकिन सलोनी की भूल की सजा तो उसे मिल चुकी है ना अंबिका, अदालत ने हमारी बच्ची को जेल भेज दिया, भूल तो भगवान से भी हो जाती है, तो अगर सलोनी से एक भूल हो गई तो क्या हम उसकी एक गलती को माफ नहीं कर सकते? मैंने सोच लिया अंबिका, हम सलोनी को माफ कर देंगे और चलकर उसे ये बताएंगे भी कि और कोई हो ना हो हम उसके साथ हैं। मैं भी यही कहना चाहती थी। हम सलोनी के पास जाएंगे, हम सलोनी के पास आज ही जाएंगे और उसे बताएंगे कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने बच्ची के साथ हैं। वाह मम्मी जी वाह, क्या ख्याल है आप दोनों के, महान हैं आप दोनों जो दुनिया के सामने इतना तमाशा होने के बाद भी अपनी उस बेटी के लिए आंसू बहा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी के 12 साल दिन और रात एक अजनबी के साथ गुजारे, जो विधवा होने के बाद भी किसी और के नाम की कालिक को सिंदूर का नाम देकर रंगरलियां मनाती रही। बस कर, अब इससे आगे एक शब्द मत कहना, और इस तरह की बात कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म की तो बात है मम्मी जी, लेकिन ये बात भी सच है, इसलिए मैं ये सच्चाई आप दोनों के सामने दोहरा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जो आपकी बेटी ने करतूत की है उसका असर मेरी बेटी की सोच पर भी। इसलिए आप दोनों के दिमाग में जो अपनी बेटी को माफ करने का ख्याल आया है उसे अपने दिमाग से मिटा दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी का इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा, और अगर आप दोनों ने इस रिश्ते को जोड़ने की फिर से कोशिश की तो मैं आप दोनों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। बेटा आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे भी भूख नहीं है भाबो, और जब मॉम आएंगी ना तो हम लोग उन्हीं के साथ खा लेंगे, और मॉम को भी भूख लगी होगी ना। वैसे अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना, अब तक आए क्यों नहीं वो? श्वेता बेटा तुम खाना खा लो, मम्मी आ जाएंगी। हाँ मम्मी आएंगी तो हमसे पूछेंगी ना कि हमने तेरा ध्यान रखा या नहीं, तूने ठीक से खाना खाया या नहीं। फिर वो हमें डांटेंगी ये देखकर कि तूने खाना नहीं खाया ठीक से। इसकी मम्मा घर आएगी तो नाराज होगी ना, ये सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी माँ कभी नहीं आने वाली, तुम्हारी माँ कभी नहीं आने वाली। आदित्य बस अपने कमरे में जाओ। ऐसा लड़ता है ना जो मुंह में आए बोल देता है, ले खा। नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। श्वेता बेटा चल खा ले, मॉम आ जाएगी खा ले। नहीं आप लोग क्यों नहीं बता देते कि मेरी मॉम कहाँ है? पहले तुम खाना खा लो फिर बात। मैं खाना जब तक नहीं खाऊंगी।
बेटा ऐसा नहीं करते। श्वेता अरे सुन तो सही, इधर आ मेरे पास। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। इधर आदित्य की बात को ऐसे दिल से मत लगा ले, उसका ये मतलब थोड़ी था। मम्मी आ जाएगी तो खाना तो खा ले, नहीं तो ताकत कैसे आएगी। मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक मैं हमसे बात नहीं कर लेती, ना मैं किसी से बात करूंगी। ऐसे नहीं कहते श्वेता बेटी, खाना तो खाना चाहिए। सावरी आ गई तेरा खाना लेके, तो खाएगी ना? नहीं। हाँ अब तो खाएगी। ऐसा नहीं कहते श्वेता, तुमसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा है, मेरा विश्वास करो। माँ एकदम से ठीक है और वो जल्द यहाँ आने वाली है तुमसे मिलने। हाँ तुम सच कह रही हो ना सावरी? मुझे पक्का पता है तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा तुम जल्दी से खा लो। श्वेता का ख्याल रखना, जब तक मैं वापस नहीं आती समझना मेरी जगह तू है उसके लिए। चाहे जो कुछ हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ना, ठीक है? श्वेता कैसी है बाबू, कुछ खाया उसने? सावरी के समझाने पे थोड़ा बहुत तो खा लिया, पर उसकी हालत देख के मुझे बहुत चिंता होती है। समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। तारा खिला दिया ब्रजेश को? आज इन्होंने अपने हाथों से खाना खाया, मैंने इन्हें नहीं खिलाया। भाई साहब ये लीजिए। बाबू श्वेता ठीक है? अभी तो शांत है, लेकिन उसे संभालना, उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। तारा सन्नी से मिलने की उसने जो जिद पकड़ ली है ना, समझ में नहीं आता उसका क्या करूं। लेकिन हम उसे सच्चाई कितने दिनों तक छुपा के रखेंगे? आखिर कभी ना कभी तो उसे बताना ही पड़ेगा ना कि उसके मम्मी और पापा कभी नहीं आएंगे। फिर आज क्यों नहीं? क्या कह रहे हैं आप कंवर साहब, ऐसे कैसे बता दें हम उसे? आपके पास कोई और तरीका है क्या इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए? समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो है, इस सच्चाई को एक झूठ से छुपाना होगा। जी, झूठ? कैसा झूठ बाप? हम उससे कहेंगे कि सलोनी नाहर की मौत हो गई है, कभी वापस नहीं आएंगे।